अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह इस लेक्चर में हमारे रिमेनिंग क्वेश्चन जो है ना 16, 17, 18, 19, ये चार क्वेश्चन है, इंशाल्लाह इसको सॉल्व करेंगे। ये जो है ये टोटली टेबल से अराउंड है, आखिरी वाला क्वेश्चन डिफरेंट है, टेबल के अराउंड है और इसमें अरेंजमेंट जो है वो रिस्ट्रिक्शन के साथ है, तो डायरेक्ट फॉर्मुला यूज नहीं हो सकता। तो फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 16 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में लिखा हुआ है, इन हाउ मेनी वेज कैन सिक्स लेडीज एंड सिक्स जेंटलमैन बी सीटेड एट अ राउंड टेबल सो दैट नो टू लेडीज आर नेक्स्ट टू ईच अदर। तो दो लेडीज को साथ बिठाना नहीं चाह रहा, उसकी अपनी रीजंस है, उसकी होंगी मुझे क्या पता। तो दो लेडीज एक साथ नहीं बैठ सकती है, आपने करना क्या है, आपने इनको अरेंज करना है। अब पॉसिबिलिटीज क्या बनेंगी, तो सबसे पहले हम थोड़ा डाटा बना लेते हैं, नंबर ऑफ लेडीज, लेडीज फर्स्ट है तो भाई सबसे पहले लेडीज का लिख देते हैं, फिर नंबर ऑफ मर्द कितने हैं। अब मैं जेंटलमैन की स्पेलिंग के लिए बुक देखे, नंबर तो मुझे पता था छह है, जेंटलमैन की स्पेलिंग कंफर्म कर रहा था, इतने जेंटलमैन है। तो आपने क्या करना है, दो लेडीज को एक साथ नहीं बिठाना। अच्छा अब यहां पे मैं पहले मेथड कर देता हूं, फिर मैं कंफ्यूजन बताऊंगा आपको। यहां पे लिखा हुआ है नो, अच्छा सॉरी, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। आप क्या करो, सबसे पहले आप जेंटलमैन को बिठा लो, मामला खत्म कर देना, मर्दों को पहले बिठा लो, क्यों बिठा रहे हो फिर देखते हैं। नंबर ऑफ वेज, अच्छा सबसे पहले मैं डायग्राम जरा आपको समझाता हूँ, फिर मैं इसकी पॉसिबिलिटी लिखता हूँ, क्योंकि सॉल्यूशन आपके डिफरेंट होना चाहिए, फिर सेम नहीं होना चाहिए। ये टेबल है, टेबल के अराउंड आपने बिठाना है। तो सबसे पहले जेंटलमैन का मतलब जीवन, जीवन हो गया, G2, G3, G4, G5, G6। सबसे पहले टेबल पे आप जेंट्स को बिठा लो। अब जेंट्स को बिठाने की कितनी पॉसिबिलिटीज है, नंबर ऑफ वेज किसके अरेंजिंग जेंटलमैन अराउंड टेबल, कि भाई टेबल के अराउंड जेंटलमैन को अरेंज करने के कितने तरीके हैं। भाई 5 factorial है, जिसको आप प्रॉपर लिख सकते हो किस तरीके से, एन माइनस, अगर फॉर्मूला बताना चाहो, n-1 factorial, कितने जेंट्स है भाई, 6 जेंट है, तो ये हो जाएगा 5 factorial, 5 factorial का मतलब 120। जेंटलमैन को टेबल के अराउंड बिठाने के कितने तरीके हैं, 120 तरीके हैं। 6 थे, वही कॉन्सेप्ट होता है, टेबल के अराउंड एक को फिक्स करो, बाकी 5 को अरेंज करो, तो 5 factorial मतलब 100। अब लेडीज में क्या कॉन्सेप्ट होगा, कॉन्सेप्ट ये होगा कि आप लेडीज को इनके दरमियान बिठा दो, मतलब आपने इसको लीनियर में कन्वर्ट कर दिया। जैसे अभी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर का आपने देखा था, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में क्या था, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर ये था कि पहला बच्चा फर्स्ट ईयर का, फिर सेकंड ईयर, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर, यही काम आप सर्कुलर अरेंजमेंट में करो। लेकिन यहां दो दफा कंसीडर नहीं करोगे, क्योंकि उसमें स्टार्ट और एंड था ना, तो दो केस आपने डिस्कस किए थे कि पहले फर्स्ट ईयर का आया, फिर दूसरी अरेंजमेंट में सेकंड ईयर का आया। लेकिन यहां पे एक ही अरेंजमेंट होगी, सर्कल का कोई स्टार्ट को एंड नहीं है, तो वो वाले कॉन्सेप्ट हम डिस्कस नहीं करेंगे, यहां पे एक ही कॉन्सेप्ट बनेगा। ठीक है, तो आप क्या करो, यहां पे आप एक काम करो कि आप इनके दरमियान लेडीज को बिठा दो, कोई भी 6 लेडीज में से दरमियान में आ सकती है, यहां पे कोई भी लेडीज 6 में से कोई भी दरमियान में आ सकती है, उसकी पोजीशन है। इसी तरह यहां पे जो आ गई, कोई भी 5 आ सकती है, कोई भी 4 आ सकती है, कोई भी 3, कोई भी 2, कोई भी 1। तो कहने का मतलब है कि आपने 5-6 मर्दों को पहले बिठा देना है, जब वो बैठ गए उनकी पोजीशन फिक्स हो गई। कितने तरीकों से बिठा सकते हो, 120। जब वो मर्द बैठ गए ना, तो अब लेडीज के लिए ये लीनियर प्रमोटेशन बन गई है, क्यों, क्योंकि उनको जगह मिल गई है ना, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये फिक्स जगह है। ठीक है, अब उनको मसला नहीं होगा, आप इनको दरमियान में बिठाना है, तो अब कोई सर्कुलर टेबल कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है यहां पे। यहां पे सिंपल कॉन्सेप्ट ये है कि इन G1 और G2, फॉर एग्जांपल ये 2 जेंटलमैन है, इनके दरमियान किसी भी 6 को बिठा दो, फिर इनके दरमियान किसी भी 5 को बिठा दो, 4, 3, 2, 1 इसको बिठा दो। तो लेडीज के लिए अभी क्या बन जाएगी, अब ये समझ लो कि ये पोजिशन बन गई है कि G1, G2, G3, G4, G5, G6 आपने इनके दरमियान लेडीज को बिठाना है। बस अब ये सर्कुलर है ना, तो इसमें ये कॉन्सेप्ट ही डिस्कस नहीं हो सकता कि भाई लेडीज से हम स्टार्ट करें या जेंट्स से स्टार्ट करें, ये लीनियर में होता है, सर्कुलर में ये कंसीडर नहीं होगा। बस सर्कुलर में आपने क्या करना है, जेंट्स के दरमियान आपने बिठाना है, 6 पोजीशन है, 6, 5, 4, 3, 2, 1 आप कर दोगे। ठीक है, तो लड़कियों को बिठाने की कितनी पॉसिबिलिटी यहां पर हो जाएंगी, नंबर ऑफ वेज लड़कियों को बिठाने के, आप लिख दो अरेंजिंग लेडीज, लेडीज को अरेंज करना है आपने, तो कितने तरीके होंगे, 6 factorial, अगर आप n factorial लिखना चाहते हो लिख लो मर्जी, 6 factorial होता है 720 तरीके से अब आप लड़कियों को बिठा सकते हो। तो अब देखो हमने बात करनी है टोटल, एक साथ बिठाना है ना इनको, तो दोनों इवेंट एक साथ होंगे, तो टोटल वेज कितने होंगे,
टोटल वेज हो जाएंगे 120 मल्टीप्लाई 720। तो अब आंसर क्या होगा इसका, 120 मल्टीप्लाई 720 का जब आप आंसर निकालोगे आंसर आएगा 86,400। 86,400 राइट ऑप्शन है। इतने नंबर ऑफ वेज होंगे लड़कियों को और जेंट्स को बिठाने के, सो दैट दो लेडीज एक साथ नहीं होंगी। अगर आप इस अरेंजमेंट में गौर से देखो तो दो लेडीज कोई भी एक साथ नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर 17 में लिखा है हाउ मेनी वेज कैन सेवन बुक बी सीटेड, सॉरी सेवन बॉयज, कितने बॉयज हैं, नंबर ऑफ बॉयज हैं बच्चों सेवन, बी सीटेड एट अ राउंड टेबल, अगेन टेबल के राउंड, सो दैट टू पर्टिकुलर बॉयज आर नेक्स्ट टू ईच अदर। पार्ट वन में क्या लिखा हुआ है, पहले उसी को सॉल्व कर लेते हैं कि टू बॉयज आर नेक्स्ट टू ईच अदर, ये पहला केस है, सेपरेटेड एक साथ कोई मसला नहीं है, निकाल लेते हैं। पहले एक और काम कर लेते हैं फिर ये हेडिंग डालते हैं तो बेहतर लगेगा। अब यहां पे आपकी स्ट्रेटेजी क्या होगी, पहले सॉल्यूशन को देख लो फिर एक सवाल ध्यान में आ सकता है उसको मैं करूंगा। सबसे पहले आप ये पॉसिबिलिटी निकालो कि नंबर ऑफ सेवन बॉयज को आप टेबल के अराउंड अरेंज किस तरह कितने तरीकों से कर सकते हो, टोटल पॉसिबिलिटी लिखवा रहा हूं। तो नंबर ऑफ वेज किसको, अरेंजिंग बॉयज अराउंड टेबल, टेबल के अराउंड अरेंज करने की कितनी पॉसिबिलिटीज है, ये एन है ना, तो इस तरह लिख देना के n इक्वल टू सेवन। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, n माइनस वन फैक्टोरियल, ठीक है, ये हो जाएगा सेवन माइनस वन फैक्टोरियल, ये हो जाएगा सिक्स फैक्टोरियल, जो कि आंसर हो जाएगा 720। तो 720 तरीके से आप सात बॉयज को टेबल के अराउंड बिठा सकते हो। आप लोग कहोगे सर ये तो सवाल ही नहीं था, तो थोड़ा सबर करना पड़ेगा, ठीक है। अब सवाल क्या था, पार्ट पे आ जाते हैं। पार्ट वन क्या था, टू बॉयज आर नेक्स्ट टू ईच अदर, ठीक है। ये अब यहां पे आप क्या करो, देखो ये मैंने निकाली है टोटल 720 पॉसिबिलिटीज, जिसमें कोई दो पर्टिकुलर बॉयज ले लो, हमजा और साथ ले लो फॉर एग्जांपल, ये दो बॉयज एक साथ भी होंगे, कुछ अरेंजमेंट में एक साथ नहीं होंगे, कोई भी दो बॉयज, ये टोटल अरेंजमेंट जो है 720, इसमें कोई दो साथ होंगे कोई दो साथ नहीं होंगे, दोनों पॉसिबिलिटीज है यहां पर। अब आप क्या करो, आप ये मालूम करो कि ये दो एक साथ किन पॉसिबिलिटीज में होंगे, ये मालूम करना कोई बड़ी बात नहीं है। आप एक ग्रुप बना दोगे, जैसे आप लीनियर में करते थे सेम काम आप सर्कुलर में करोगे, बस थोड़ी कंडीशन चेंज होंगी, वैसे तो वही होंगी, मैं डायग्राम बना तो बात क्लियर हो जाएगी आप लोगों की। आप क्या करो, दो बॉयज है ना, तो कंसिडर कर लो बी वन बी टू बी थ्री बी फोर बी फाइव बी सिक्स, दो बॉयज को आपने एक साथ बिठाना है। फॉर एग्जाम्पल आप कहते हो कि हर कंडीशन के अंदर ये दो बॉयज एक साथ होने चाहिए, बी वन बी टू एक साथ हो, ठीक है, आपको वो सारे नंबर ऑफ वेज बताने जिसमें ये दो बॉयज एक साथ होने चाहिए। अभी कैसे निकालोगे, ग्रुपिंग बना लिया आपने, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है जो आप लीनियर परम्यूटेशन में करते थे, आपने इसको ग्रुप बना दिया, अब ये एक माना जाएगा और बाकी जो है ये कितने माने जाएंगे, यार वैसे लिखने का तरीका ठीक नहीं है, अजीब सा हो जाएगा, ये ना लिखो, बस आप ये बता दो ग्रुप एक बन गया इसका। अब इसको आपने एक शामिल करना है, एक कंसीडर करना है, बाकी रिमेनिंग बॉयज कितने हैं, चार, तो फोर प्लस वन फाइव। अब ये समझ लो कि पांच लोगों को आपने अरेंज करना है, भूल जाओ कि छह बॉयज हैं, अब पांच बॉयज हैं, क्यों, क्योंकि भाई ये दो बॉयज यहां पे रखो, इधर ले आओ, ऊपर ले जाओ, कहीं भी ले जाओ, ये दो एक साथ होंगे, तो जब एक साथ होंगे तो आप एक मान लो इनको, ठीक है, तो ये एक और ये पांच, तो नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे, 4 फैक्टोरियल, क्यों, पांच लोगों को टेबल के अराउंड, अगर ये लीनियर होता तो मैं लिखता 5 फैक्टोरियल, क्योंकि पांच लोग हैं, पांच लोगों को लीनियर में अरेंज करने के 5 फैक्टोरियल तरीके होते हैं, लेकिन इन पांच को आपने टेबल के अराउंड करना है, वही कॉन्सेप्ट के फिक्स करके बाकियों को अरेंज करना है, तो कितनी अरेंजमेंट बनेगी, 4 फैक्टोरियल, लेकिन वही कॉन्सेप्ट जो लीनियर परम्यूटेशन में कर देते हैं। ये दो बॉयज आपस में भी तो पोजिशन चेंज कर सकते हैं कि बी वन बी टू बी टू बी वन, बिल्कुल पॉसिबिलिटी है, एक अरेंजमेंट इस टाइप की हो कि बी वन बी टू बी थ्री बी फोर बी फाइव बी सिक्स, एक अरेंजमेंट ये है, दूसरी अरेंजमेंट क्या है, बी टू बी वन, ये दूसरी अरेंजमेंट, ये अलग अरेंजमेंट है, क्यों, पहले आप अगर देखो यहां पे बी वन था, बी वन के लेफ्ट पे बी सिक्स था, अब बी टू के लेफ्ट पे बी सिक्स चला गया,
तो अलग अरेंजमेंट है। इसी तरीके से इनको हटा भी सकते हो, फॉर एग्जाम्पल यहां पे 6 ले जाओ, यहां पे फॉर एग्जाम्पल 4 को बिठा लेते हैं, यहां पे 1 को और यहां पे 2 को बिठा लो। भाई B3, B4, फॉर एग्जाम्पल इसको 5 कर लेते हैं, B5, B3, B4, B6 भाई कहीं भी आते हैं, इनका मसला नहीं है। B1, B2 ने एक साथ बैठना, अल्लाह बेहतर जानते क्यों एक साथ बैठना है, तो B1, B2 एक साथ डिफरेंट भी अरेंजमेंट में आप बिठा सकते हो, तो उनकी आपस में भी तो अरेंजमेंट है। अब एक अरेंजमेंट ये है, दूसरी अरेंजमेंट क्या होगी, आप ये कर लो B2, B1, बाकी को सेम रखें, दोनों को आपस में अरेंज किया, तो कहने का मतलब यह है कि बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट है, दोनों को आपस में अरेंज करने के कितने तरीके, 2 फैक्टोरियल, तो आप 2 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करोगे, तो 4 फैक्टोरियल होता है 24, 2 फैक्टोरियल होता है 2, ये हो जाएगा 48। 48 तरीके ऐसे होंगे जिसमें आप इन दो बॉयज को एक साथ बिठा सकते हो। अच्छा, मैंने 48 देखने के बाद मैंने कहा छोटा नंबर क्यों आ रहा है, फिर मुझे पता चला कि मैंने यहाँ पे 6 बॉयज कंसिडर किया, असल में 7 बॉयज थे, तो हम एक और बॉयज ले आते हैं 27। तो जैसे इस सिचुएशन में भी आप 27 ले आओ, कहीं भी दरमियान में कोई मसला नहीं है। तो अब 7 बॉयज थे जिनमें से 2 का आपने ग्रुप बना दिया, तो 1 ये हो जाएंगे और पीछे बचेंगे 5 बॉयज, तो 5 और 1 ये हो जाएगा 6। तो आप टेबल के अराउंड बिठाने के कितने तरीके हो जाएंगे, 6 - 1 5 फैक्टोरियल, और 2 का ग्रुप बनाना है तो 2 फैक्टोरियल होगा, ये हो जाएगा 120। 120 को जब आप मल्टीप्लाई करोगे 2 से तो ये हो जाएगा 240। तो 240 ऐसे वेज होंगे जिसमें 2 बॉयज जो है वो एक साथ मौजूद होंगे। तो पार्ट नंबर 1 हो गया। अब जरा पार्ट नंबर 2 पे आ जाओ। पार्ट नंबर 2 में ये है कि पर्टिकुलर 2 बॉयज जो है, 2 बॉयज जो है पर्टिकुलर वो सेपरेट होंगे। अब ये कैसे निकालोगे, अब 2 बॉयज सेपरेट कैसे निकालोगे, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट ये कि भाई अगर आप देखो कि 2 बॉयज एक साथ बैठ रहे हैं, 240 तरीके हैं, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये कि 240 ही ऐसे तरीके हैं जिसमें 2 पर्टिकुलर बॉयज एक साथ बैठेंगे, तो बाकी तरीकों में क्या होगा, नहीं एक साथ बैठेंगे, सिंपल सी बात है भाई। टोटल 720 तरीके हैं 7 को बिठाने के, जिसमें से 240 ऐसे हैं कि जिसमें 2 पर्टिकुलर बॉयज जो हैं, हमजा 7 कर लो फॉर एग्जांपल, वो एक साथ बैठेंगे, तो 240 और 720 इनके अलावा जो मेथड है 240 के अलावा उसमें क्या हो रहा है, उसमें ये हो रहा है कि हमजा और 7 एक साथ नहीं बैठ रहे, सेपरेट हुए हमें। तो सिंपल तरीका है, नंबर ऑफ वेज कैसे निकालोगे, टोटल वेज कितने थे 720, 7 बैठने की कितने थे 240, जब आप माइनस करोगे तो आपके पास वो नंबर आ जाएगा जिसमें ये दोनों सेपरेट हुए होंगे, 480 इज द राइट ऑप्शन। 40 ऐड करो 520, हाँ 480 इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 है, क्वेश्चन नंबर 18 में आपको बोला हाउ मेनी वेज कैन 4 जेंटलमैन 2 लेडीज। भाई इस वाले सवाल में आपके पास नंबर ऑफ जेंटलमैन कितने हैं, नंबर ऑफ जेंटलमैन है 4 और नंबर ऑफ लेडीज कितनी है 2। आपको क्या करना है, आपको बताना है सीटेड एट अ राउंड टेबल सो दैट लेडीज आर नॉट टुगेदर, सो दैट 2 लेडीज आर नॉट टुगेदर, मतलब 2 लेडीज एक साथ नहीं हो सकती। आपने इसको टेबल के अराउंड अरेंज करना है कि 2 लेडीज को आपने एक साथ नहीं बिठाना। अब आपने करना है कि यहां पे सबसे पहले वही काम करो, क्या पहले सबको एक साथ अरेंज करो, मतलब कितने लोग हैं, नंबर ऑफ वेज किसके, अरेंजिंग 4 + 2 पीपल फॉर एग्जाम्पल, कहने का मतलब 4 लेडीज है, सॉरी 4 जेंटलमैन है 2 लेडीज है, इनको टोटल टेबल के अराउंड अरेंज करने की कितनी पॉसिबिलिटीज है भाई, N-1 मतलब 6 - 1 6 लोग हैं टोटल, 5 फैक्टोरियल मतलब 120, टोटल इनको टेबल के अराउंड अरेंज करने की 120 पॉसिबिलिटी है टोटल है। आपको पॉसिबिलिटी बनानी है जिसमें 2 लड़कियां एक साथ ना हो, या हेडिंग बना सकते हो यहां पे, अब मैं बना देता हूं चलो, के नो 2 लेडीज या इस तरह लिख दो 2 लेडीज आर नॉट टुगेदर, 2 लेडीज आर नॉट टुगेदर, इसकी पॉसिबिलिटी आपको निकालनी है। तो ये पॉसिबिलिटी निकालने से बेहतर है आप क्या करो, टुगेदर की स्पेलिंग से तो गलत है, पता नहीं सही, देख लेना, 2 लेडीज एक साथ ना हो, इनकी पॉसिबिलिटी निकालना आपके लिए मुश्किल है। 2 लेडीज एक साथ ना हो कैसे पॉसिबिलिटी निकालोगे, मतलब निकल सकती है, लेकिन यहां पे एक इजी तरीका क्या है कि आप इन दोनों को एक साथ बिठा लो और उसकी पॉसिबिलिटी टोटल से माइनस कर दो, इसका मतलब दोनों एक साथ नहीं बैठेंगे, 2 एक साथ ही कैसे निकालोगे। फॉर एग्जाम्पल ये मैं चलो इसकी डायग्राम नीचे बना दूंगा, अभी आप क्या निकाल रहे हो, नंबर ऑफ वेज निकाल रहे हो, या चलो हेडिंग यहां पे ना बनाओ यार, ये हेडिंग थोड़ा मतलब इसका गलत हो जाएगा यहां पे,
क्योंकि अभी आप ये काम करने नहीं लगे, अब आप एक और चीज निकाल रहे हो। आप यहां पे वेज निकालो, नंबर ऑफ वेज, कौन से वेज है इन विच टू लेडीज आर टुगेदर, जस्ट लिख दो कि दो लेडीज इसमें टुगेदर हो उसके नंबर ऑफ वेज आप निकाल रहे हो। टू लेडीज टुगेदर हो उसके नंबर ऑफ वेज कैसे होंगे? बस सिंपल कॉन्सेप्ट ये होगा कि आप चार जेंटलमैन, फॉर एग्जाम्पल जी वन, जी टू, जी थ्री, जी फोर और दो लेडीज हैं, इनको एक साथ कर दो आप। जब इनको आप एक साथ कर दोगे, अब पॉसिबिलिटी क्या है, इनको एक ग्रुप कंसीडर कर लो, ये हमेशा एक साथ होंगी, कहीं भी आप ले जाओ हमेशा एक साथ होंगे। तो ये चार है प्लस वन, ये पांच का ग्रुप बनेगा। तो फाइव माइनस वन क्या होता है? फोर फैक्टोरियल, फोर फैक्टोरियल। इसको आप थोड़ा खोल के लिखो, तो आप इस तरह लिख दो कि फाइव माइनस वन फैक्टोरियल। ये इनको टेबल में अराउंड अरेंज करने के तरीके हैं। लेकिन दो लेडीज अपनी पोजिशन भी तो चेंज कर सकती है ना, तो दो तरीके हैं, मतलब टू फैक्टोरियल। तो अगर आप सॉल्व करो इसको, ये हो जाएगा फोर फैक्टोरियल इंटू टू फैक्टोरियल, जबकि 24 मल्टीप्लाई टू ये हो जाएगा 48। 48 ऐसे तरीके हैं, डब्बा ना बनाओ क्योंकि आंसर नहीं है, आंसर कुछ और है। 48 ऐसे तरीके जिसमें एक साथ हो, तो बाकी में क्या होगा? अलग होंगे, अलग इन द सेंस, फॉर एग्जाम्पल जी वन होगा, जी टू होगा, फिर लेडीज, फिर जी थ्री, फिर जी फोर, फिर लेडीज टू, डिफरेंट पॉसिबिलिटी आप बना सकते हो यहां पर। तो अब आपके पास डायरेक्ट आएगा नंबर ऑफ वेज जिसमें टू लेडीज आर नॉट टूगेदर, ऐसे पॉसिबिलिटीज जिसमें एक साथ ना हो, कैसे निकालोगे? टोटल में से माइनस कर दो एक साथ होने की। तो 120 में से जब आप 48 माइनस करोगे 52 और 20 72, 72 ऐसे वेज हैं जिसमें ये एक साथ नहीं होंगे। अब यहां पे आप बोल सकते हो सर ये जो पहले वाला सवाल था लेडीज एक साथ ना हो, तब भी हमने ये काम नहीं किया था, हमने तो अरेंजमेंट ही ऐसी बना दी थी, हमने उसे नहीं किया था कि बोला था कि दो लेडीज एक साथ हो फिर हमने टोटल से माइनस किया, हमने ऐसा नहीं किया था। क्योंकि बच्चों वहां पे वर्डिंग ये थी कोई भी एक साथ ना हो, और वहां पे कोई भी दो एक साथ नहीं हो सकती, कहने का मतलब वहां पे छह लेडीज थी, छह लेडीज में उन्होंने बोला था कोई भी एक साथ नहीं हो सकती। मैं आपको वर्डिंग जरा बता देता हूं, क्वेश्चन नंबर 16 में बोला था कि सो दैट नो टू लेडीज, नो टू लेडीज आर नेक्स्ट टू ईच अदर, मतलब छह में से कोई भी दो लेडी एक साथ नहीं हो सकती, ठीक है। लेकिन यहां पे तो है ही दो लेडीज, तो इनका सॉल्व करना इजी है। उसका सॉल्व करने का तरीका यह था कि कोई भी एक साथ नहीं हो सकती, मतलब वहां पे पर्टिकुलर भी नहीं बोला, उन्होंने बोला कोई भी, मतलब लेडीज वन, लेडीज सिक्स एक साथ नहीं हो सकती, लेडीज टू, लेडीज फाइव एक साथ नहीं हो सकती, तो डिफरेंट पॉसिबिलिटी थी वहां पे, किसी को भी एक साथ नहीं बैठा सकते थे। अगर पर्टिकुलर बात बोली होती तो चीज अलग हो जाती, लेकिन उन्होंने बोला था कोई भी एक साथ नहीं बैठ सकती। जैसे वो बॉयज वाला था उसमें बोला था कि दो पर्टिकुलर बॉयज एक साथ ना हो, मतलब बाकी एक साथ हो सकते हैं। तो तरीका हमने ये वाला यूज किया था कि दो पर्टिकुलर को एक साथ रखा था और फिर हमने माइनस किया था टोटल से, तो एक साथ ना आने वाली आई थी, क्योंकि भाई वहां पे बाकी बॉयज एक साथ आ सकते थे। जबकि क्वेश्चन नंबर 16 में उन्होंने बोला था कि कोई भी लेडीज एक साथ नहीं आ सकती, छह के छह में से कोई भी दो एक साथ नहीं आ सकती, ये आपने ख्याल रखना उस चीज का। तो दैट्स व्हाई वहां पे मेथड लगता, हमने पोजीशन ही डिफरेंट कर दी थी, सवाल ही डिफरेंट तरीके से सॉल्व किया था उसको। उसके बाद अगला क्या है कि इन हाउ मेनी दीज वेज विल थ्री पर्टिकुलर जेंटल बी नेक्स्ट टू ईच अदर, वो कह रहे हैं कि बताओ ऐसे कितने तरीके जिसमें तीन जेंटलमैन जो है, तीन पर्टिकुलर जेंटलमैन, अगेन वही बात आ गई है कि तीन पर्टिकुलर जेंटल एक साथ हैं, ये बताना है आपको। तो अब हम निकालते हैं नंबर ऑफ वेज इन विच, नंबर ऑफ वेज किसमें थ्री जेंटलमैन आर टुगेदर, नेक्स्ट टू ईच अदर मतलब टुगेदर हो। अब इसकी क्या पॉसिबिलिटीज है, तस्वीर में बना तो फिर आपको बताता हूं। फॉर एग्जाम्पल जेंटलमैन वन, जेंटलमैन टू, जेंटलमैन थ्री, इसको एक साथ कर देना है। पीछे क्या बचा, एक तो जेंटलमैन फोर बचा, एक लेडीज वन बची, एक लेडीज टू बची, ये तीन हमेशा एक साथ ही होंगे। अब वही ग्रुप बन गया आपका, ये तीन का ग्रुप बन गया, चार पांच मतलब इसको एक मानेंगे, एक दो तीन चार। अब फॉर एग्जाम्पल चार लोगों को आपने टेबल के अराउंड अरेंज करना है, तो चार को अरेंज करने के कितने तरीके हैं, थ्री फैक्टोरियल टेबल के अराउंड, और इनको आपस में भी तो कर सकते हो ना अरेंज, बिल्कुल, तो मल्टीप्लाई थ्री फैक्टोरियल, तो ये हो जाएगा 6 × 6 = 36। बुक में इसका आंसर गलत लिखा हुआ है, 12 लिखा हुआ है, 12 एक ही सिचुएशन में बन सकता था अगर वो इन दोनों कंडीशन को कंबाइन कर देते। दोनों कंडीशन को कंबाइन करने का मतलब कि वो ये बोलते कि दो लेडीज एक साथ नहीं बैठ सकती और तीन जेंटलमैन एक साथ बैठेंगे, तब आपके पास सिचुएशन हो सकती थी कैसे कि दो लेडीज एक साथ नहीं हो सकती, तो जी फोर को आपको इधर बैठाना पड़ेगा, ये पोजीशन हो सकती थी। तो फिर सिचुएशन में होता
कि आप अरेंजमेंट में क्या करते हैं। फॉर एग्जाम्पल सर्किल टेबल में आप किसी एक चीज को फिक्स करते हो ना, इसी तरह अरेंज करते हो। तो अगर सवाल ये होता है कि दो लेडीज एक साथ नहीं बैठेंगी और तीन जेंटलमैन एक साथ बैठेंगे, तब आंसर 12 आएगा। कैसे? कि फॉर एग्जाम्पल आपने एक जेंटलमैन को फिक्स कर दिया, अब बाकियों को आप अरेंज कर रहे होते हो, तो इन तीन को अरेंज करने का एक ही तरीका है, बाकी तरीके नहीं हो सकते। क्यों? अगर इसको आपने पहले ले आए, लेडीज टू को बाद में ले आए, तो दो लेडीज एक साथ हो जाएंगी, तो इनको अरेंज करने का एक ही तरीका है। ठीक है, अच्छा अब सवाल है कि इन दो लेडीज को आपस में अरेंज करने का तरीका होगा ना, मतलब इन तीन को अरेंज करने के सॉरी दो तरीके होंगे, मैंने गलती की, दो तरीके होंगे। कौन से तरीके? कि L2 फिर जेंटलमैन और लेडीज वन, और दूसरा तरीका क्या होगा? लेडीज वन जेंटलमैन लेडीज टू। इन दोनों मेथड में तीन जेंटलमैन एक साथ है, दो लेडीज एक साथ है, सॉरी दो लेडीज अलग अलग है, तो दो पॉसिबिलिटी है। प्लस इनको आपस में अरेंज करने के कितने तरीके हैं? छह तरीके, 3 factorial, तो 6 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 12, तो इस वाले सिचुएशन में आंसर 12 आ सकता है। लेकिन सवाल का मतलब ये नहीं है, मैं आपको रिजल्ट बता रहा हूं कि 12 कैसे आएगा, मे बी इस वजह से लिखा हो आंसर बुक में, लेकिन सवाल ये कहीं भी नहीं कह रहा, सवाल इंडिपेंडेंट है। सवाल में जस्ट लिखा हुआ है कि हाउ मेनी ऑफ दीज वेज विद 3 particular जेंटलमैन पिन नेक्स्ट टू ईच अदर, एंड हाउ मेनी ऑफ दीज वेज का मतलब कि टोटल वेज कितने थे, 120, तो इसमें से ऐसे कितने वेज हैं कि जिसमें तीन जेंटलमैन एक साथ होंगे। इसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि जो ऊपर वाला डिस्कस किया कि जिसमें लेडीज एक साथ नहीं है उसमें बताओ कि तीन जेंटलमैन एक साथ होने की कितने वेज बनेंगे। तो सवाल के मुताबिक जो वर्डिंग है, करेक्ट सॉल्यूशन ये है, मे बी आंसर जैसे उन्होंने लिखा हो सिचुएशन अगर ये हो तो, लेकिन आप लिखोगे 36 वाले। ठीक है,